नमस्कार, आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, क्वांटम संख्या। तो देखो, क्वांटम संख्या के लिए अपन क्या करते हैं, क्वांटम संख्या को समझने के लिए, जिस तरीके से एक व्यक्ति को हम पता करने के लिए, जिस तरीके से अपने को चार चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे किसी भी व्यक्ति को अपने को ढूंढना होता है, तो सबसे पहले तो हम उस देश का नाम पता करते हैं कि वो देश कौन सा है जहाँ पे वो व्यक्ति उपस्थित है। अभी देश के बाद में फिर हम पता करते हैं उसका शहर या फिर कौन से राज्य में उपस्थित है। एक नंबर पर तो देश, कौन से देश में है, फिर कौन से राज्य में उपस्थित है, फिर तीसरी चीज राज्य में भी कौन से जिले में उपस्थित है। अब कौन से जिले में उपस्थित है ये पता चल गया, तो जिले के बाद में फिर आता है कि वो जिले में कौन से स्थान पर उपस्थित है, उसके पर्टिकुलर कौन सी जगह पे वो उपस्थित है। तो इस तरीके से हम एक व्यक्ति को पता करने के लिए इस चार चीजों की जरूरत पड़ती है। वैसे ही अपन क्वांटम संख्या पढ़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लें, क्वांटम संख्या क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति को पता करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता करने के लिए इसी तरीके से अपने को चार संख्याओं की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। अभी क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी हैं? क्वांटम संख्याएं जिस तरीके से चार चीजों की जरूरत होती है उसी तरीके से अपनी चार क्वांटम संख्याएं होती है। नंबर एक क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। द्विगंशी क्वांटम नंबर का दूसरा नाम होता है एजीमुथल, इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरी जो क्वांटम नंबर है वो होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। और चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो देखो इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जिस तरीके से अपने को इन चार चीजों की जरूरत पड़ती है उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाने के लिए अपने को चार क्वांटम संख्याओं की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम एन एल एम एस कहते हैं। सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या है वो बताती है कोस कक्षा, कक्ष या ऊर्जा स्तर, ये सभी एक ही बात होती है ना, कोस कक्ष कक्षा या ऊर्जा स्तर। किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोस में है या कौन सी कक्षा में है, कौन सी कक्ष या कौन सी ऊर्जा स्तर में उपस्थित है, तो सबसे पहले तो ये। फिर जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो बताती है कि इलेक्ट्रॉन है वो कोस में उपस्थित, कौन से उपकोष में उपस्थित होता है, ये बताती है कोस में स्थित उपकोष के बारे में, ये उपकोष के बारे में बताती है। मोटी मोटी बातें हैं पहले, फिर अपन डिटेल में पढ़ेंगे एक एक क्वांटम संख्या को। तो सबसे पहले तो मुख्य क्वांटम संख्या, फिर द्विगंशी क्वांटम संख्या बताती है उपकोष के बारे में। जो तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या वो बताती है उपकोष में उपस्थित कक्षकों के बारे में, उपकोष में उपस्थित कक्षकों के बारे में, ये उपकोष में उपस्थित कक्षकों के बारे में बताती है। जो चौथी क्वांटम संख्या होती है चक्रण क्वांटम संख्या वो बताती है कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर करता है एक कक्षक के अंदर। तो ये चार क्वांटम संख्याएं जिस तरीके से अपने को ये चार चीजों की जरूरत पड़ती है उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाने के लिए अपने को इन चार चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अपन डिटेल में एक एक क्वांटम संख्या को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है अपनी मुख्य क्वांटम संख्या को, तो हम बात करते हैं सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या है। तो देखो एक एक को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, आपको एक एक बात को ध्यान से समझना है, ध्यान से रखना है, क्वांटम संख्या से अच्छा क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या की, मुख्य क्वांटम संख्या इसको प्रदर्शित करते हैं हम एन से। सबसे पहले इसके जो खोजकर्ता है वो है नील्स बोर, खोजकर्ता कौन है, नील्स बोर। नील्स बोर ने सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताया था।
पहली बात इसके अंदर क्या होती है, सबसे पहली बात कि ये सबसे पहले कोस कक्ष कक्षा या ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। सबसे पहले तो ये मुख्य पाठ्य संख्या वो किस चीज के बारे में बताएगी, कोस कक्ष कक्षा या ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं कि एक कोष से संबंधित, एक कोष में जो इलेक्ट्रॉन और एक कक्षक होते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे बात अपन बात करते हैं कि एक कोष में उपस्थित कक्षक तो निकालते हैं अपन एन स्क्वायर सूत्र से, और जो कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन वो निकालते हैं 2n² से। तीसरी बात आती है अपनी, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरी बात आती है ये बताती है अपने कक्षा के आकार के बारे में। आकार के बारे में कैसे बताती है कि जैसे 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 अपना कोर्स बढ़ता जाता है, जैसे 1s फिर 2s फिर 3s फिर 4s, जैसे मान लो ये एक परमाणु है, इसमें जैसे जैसे कोष बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका जो आकार है वो बढ़ता जाएगा। जैसे ये नाभिक, ये आपका 1s, ये 2s, ये 3s, ये 4s, तो यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो आपकी कक्षा है या कोष है इनका आकार है वो बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी ऊर्जा भी बढ़ती है, ऊर्जा भी इनकी बढ़ती जाती है। तो 1s की ऊर्जा कम, 2s की ज्यादा, 3s की ज्यादा, 4s की ज्यादा, तो ऐसे ऐसे आकार त्रिज्या या ऊर्जा ये सभी बढ़ते हैं जैसे जैसे। और एक और बात क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी के बारे में भी ये बताती है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से कितनी दूरी होती है। जैसे जैसे कोष बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी है वो बढ़ती जाती है। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर कि इसमें इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, इसके लिए जो कक्षीय कोणीय संवेग का मान होता है, कक्षीय कोणीय संवेग का जो मान है वो mvr बराबर nh अपॉन 2π होता है। ये कक्षीय कोणीय संवेग का मान mvr बराबर nh अपॉन 2π होता है। तो ये इसके अंदर मुख्य मुख्य बातें होती हैं, कोष कक्ष इसके बारे में बताती है, कोष में उपस्थित कक्षक है वो n² से निकालते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन है 2n² से निकालते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका आकार ऊर्जा त्रिज्या ये सभी भी बढ़ती जाती है, और इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर कैसे निकालते हैं। ये देखो, सबसे पहले कोष, कौन कौन से कोष होते हैं, इनको हम के एल एम एन या एन का जो मान है एन बराबर 1, 2, 3, 4 कोष या कक्षाओं को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले कोष की बात करते हैं, तो कोष जैसे के एल एम एन ये चार कोष होते हैं, इसके लिए जो n का मान है वो 1, 2, 3, 4 ये n का मान होगा। इसमें यदि हम कक्षकों की बात करें कि इसमें कक्षक कितने होंगे, तो देखो अपने को बताया कि कक्षक का जो फॉर्मूला है वो n² है, n का मान अपने को पता है को 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो ये 1, ये 4, ये 9 और ये 16, तो ये तो इसमें कक्षक उपस्थित होंगे। फिर हम दूसरी सेकंड चीज बात करते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर कोष में उपस्थित जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सूत्र से निकालेंगे, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो निकालते हैं 2n² से, और 2n² से यहाँ पे n का मान अपने को पता है, n का मान कितना है 1, 2, 3, 4 ये रखते जाओ, तो 2 × 1² तो ये कितना हुआ 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 से किया तो 2, तो मतलब आपके एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। यहाँ पे फिर हम बात करते हैं 2 × 2² 3 2 × 3²
और 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये क्वांटम संख्या। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर किया तो ये 4 इंटू 2 किया तो ये तो कितना हो गया 4 इंटू 2 किया तो 8, मतलब दूसरे में कितने होंगे 8, इसमें 18 और इसमें 32। तो ये मतलब ऐसे अधिकतम व्युत्क्रम ऐसे निकालेंगे 2n स्क्वायर से। तो आपको ध्यान रखना है मुख्य क्वांटम संख्या में ये इतनी बातें आपको याद रखनी है सीधी सीधी सी। कक्षीकोणीय संवेग का मान nh / 2π होता है, ये आपकी मुख्य क्वांटम संख्या हुई, खोजकर्ता नील्स बोर है इसके, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं आपकी सेकेंड जो क्वांटम संख्या है उसकी बात करेंगे। दूसरी क्वांटम संख्या होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। देखो द्विगंशी क्वांटम संख्या की बात करते हैं, फिर हम दूसरी क्वांटम संख्या की बात करते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसको प्रदर्शित करते हैं हम एल से, इसकी खोज करता है सोमरफील्ड, इसकी खोज करता होते हैं सोमरफील्ड। द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो किस किस के बारे में बताती है, सबसे पहले तो मुख्य बात होती है इसके अंदर कि ये कोष में उपस्थित उपकोषों के बारे में बताती है। तो ये सबसे पहले कोष में उपस्थित उपकोष के बारे में बताती है, उपकोषों के बारे में बताती है कि कोष में कितने कितने उपकोष होते हैं। सेकंड चीज ये किसके बारे में बताएगी, जैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और कक्षा निकालते हैं। दूसरी चीज के अंदर आपको ध्यान रखनी है कि उपकोष में उपस्थित जो कक्षक हैं वो निकालते हैं अपन 2L+1 सूत्र से, 2L+1 सूत्र से। और उपकोष में उपस्थित जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, वो निकालते हैं 2×12+1 सूत्र से। ये उपकोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन इस सूत्र से निकालते हैं। तीसरी चीज आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो L का मान है वो कैसे निकालते हैं, L का मान है वो निकालते हैं 0 से n-1 सूत्र से, ठीक है। और ये उपकोष है ये किसके बारे में बताते हैं, जैसे वो तो बता रहा था कोष या कक्ष के आकार के बारे में, ये बताती है उपकोष के आकृति के बारे में, आकृति के बारे में कैसे, अपने को पता है कि जो उपकोष होते हैं वो चार उपकोष होते हैं S, P और D और F। तो यहाँ पे S, P, D और F ये चार उपकोष होते हैं, इनकी आकृति के बारे में बताता है कि S कैसा होता है, D कैसे होता है। तो सबसे पहले तो इनका नाम से पता चलता है कि S का नाम क्या होता है, S को हम बोलते हैं सार, इनका वैसे नाम होता है सार। P का होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। फिर इनकी आकृति बात करते हैं तो एस का आकार होता है गोलाकार, इसका होता है डमलाकार, इसका होता है द्विडमलाकार, और इसका होता है जटिल संरचना। इसकी जटिल संरचना होती है, इसको हम डिफाइन नहीं करते हैं, इसकी जटिल संरचना होती है, ठीक है। तो ये अपने पास उपकोष हुए एस, पी, डी और एफ, इन उपकोषों की आकृति के बारे में ये बताता है। तो एल का मान अपने को पता चल गया, 0 से n-1 से निकालते हैं, 0 से n-1 से निकालते हैं, ठीक है। तो फिर अपन बात करते हैं कि इसके अंदर L का मान निकल गया, अब कक्षक और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर जो कक्षीय कोणीय संवेग का मान है, कक्षीय कोणीय संवेग का मान वो निकालते हैं mvr बराबर h/2π√L×L+1 सूत्र। इस सूत्र से हम इसके लिए कक्षीय कोणीय, ये इम्पोर्टेंट है इसको ध्यान रखना, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि कक्षीय कोणीय संवेग का मान क्या होगा, डी उपकोष के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान क्या होता है,
पी के लिए क्या होता है, एस के लिए क्या होता है और ये सब का ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उपकोष्मपत्री कक्षकों के बारे में बता दिया, आकृति के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये तो सबसे पहले हम ये निकाल के देखते हैं कि कैसे कैसे आता है। एक चीज और ध्यान रखना है, जितना कोष का जितना मान होगा उसमें उतने ही उपकोष उपस्थित होते हैं। जितना एन का मान होगा, जितना एन का मान होगा उसमें उतने ही उपकोष होते हैं, उसमें उतने ही उपकोष उपस्थित होते हैं। ये भी अपन बात, ये इसमें मुख्य मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर हम एक एक चीज निकालेंगे कि उपकोष उपस्थित कक्षक कैसे निकालेंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये अपन बात करते हैं उससे। तो यहाँ पे ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम एक एक चीज पढ़ेंगे कि इसमें कक्षक कैसे निकालते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो कैसे निकालते हैं। तो वापस से मैं बताता हूँ, ये सब आपको चीज को ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे निकालेंगे। एक एक उपकोष के लिए सभी के लिए ये कोणीय संवेग का मान फाउंड करेंगे, कैसे करेंगे ये देखो। सबसे पहले तो अपन ने ये देखा कि कोष कौन कौन से हैं, तो कोष के एल एम एन, उसमें उपकोष सॉरी पहले एन का मान बता देता हूं, एन का मान 1 2 3 4। इसमें उपकोष कौन कौन से हैं, उपकोष अपने को पता है कि चार होते हैं, एस पी डी एफ। इसके लिए एल का जो मान है, एल का मान कैसे निकालते हैं, जीरो से एन माइनस वन करके। तो यहाँ पे एन माइनस वन करना है, तो एन कितना है, वन, वन माइनस वन किया तो ये जीरो, फिर एन माइनस वन किया, टू माइनस वन किया तो वन, फिर ये टू, फिर ये थ्री। आपको ये ध्यान रखना है कि एस उपकोष के लिए जो एल का मान है वो जीरो होता है, पी के लिए वन होता है, डी के लिए टू और एफ के लिए थ्री होता है। मैंने लास्ट में आपको ये बताया था कि जितना एन का मान होता है उस कोष में उतने ही उपकोष उपस्थित होते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ पे एन का मान फोर है, तो इसके अंदर चार उपकोष होने चाहिए थे। चार उपकोष कौन कौन से होते हैं, तो चार उपकोष ऐसे होते हैं कि जैसे आपका मान लो ये यहाँ पे आपका परमाणु, इसमें n बराबर यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, तो ये n का मान चार तक है। मैंने कहा कि जितना n का मान होता है उस कोष में उतने ही उपकोष उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे n बराबर में s उपकोष, फिर यहाँ पे टू जब आता है तो इसमें s भी आता है और p भी आता है, थ्री के लिए यहाँ पे s भी आता है, p भी आता है, d भी आता है, और यहाँ पे s p d और f, मतलब चार आते हैं। तो जैसे जैसे n का मान, जितना n का मान होगा उस कोष में उतने ही उपकोष उपस्थित होते हैं। तो चार होगा n का मान, तो इसमें चार ही उपकोष होंगे, s p d f, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर l का मान हो गया, l का मान ये अपने निकाल लिया, फिर अपने पास उपकोष आ गए s p d और f। इनके लिए जो l का मान है वो अपने को पता है जीरो, वन, टू, थ्री। अब उपकोष में उपस्थित जो कक्षक हैं, उपकोष में कक्षक वो निकालते हैं 2L+1 सूत्र से। यहाँ पे L का मान अपने को रखना होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले S के अंदर 2 × 0+1 किया तो कितना आया, ये तो हो गया जीरो और ये हो गया वन, तो यहाँ पे वन, मतलब एस उपकोष के अंदर कितना कक्षक होगा, एक। जैसे फिर हम बात करते हैं पी की, तो पी के अंदर 2 × 1+1, तो ये हो गया दो और एक तीन, तो यहाँ पे तीन। ऐसे यहाँ पे किया तो 2 × 2+1, तो ये हो गया फाइव। ऐसे यहाँ पे किया तो 2 × 3+1, तो ये हो गया सेवन। मतलब एफ उपकोष के अंदर कितने कक्षक होंगे, सेवन होंगे।
ऐसे हम बात करते हैं यहाँ पे फिर उपकोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 2 × 2L+1 सूत्र से। तो यहाँ पे 2 × ऐसी वैल्यू रखती जानी है, यहाँ पे एल का मान रखते जाना है। तो यहाँ पे अपने को बताया कि एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे ये तो हो गया 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 14। ये उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो निकाल सकते हैं हम इस फॉर्मूले से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4L+2। ये कई जगह सीधा सीधा सूत्र दे दिया जाता है कि उपकोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन कौन से सूत्र से निकालते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट सूत्र भी याद रखना है और ये इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, कक्षक कौन कौन से हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये निकालते हैं उपकोष में उपस्थित कक्षक और अधिकतम इलेक्ट्रॉन इस सूत्र से निकालते हैं। फिर एक चीज और आती है वो भी आपको बता देता हूँ कि इसके लिए कक्षीय कोण या संवेग का जो मान है वो कैसे निकालते हैं। तो ये देखो कक्षीय कोणीय संवेग, ये होता है mvr बराबर h/2π अंडर रूट l × l+1। तो यहाँ पे देखो एक एक का l की वैल्यू रखती जानी है। सबसे पहले हम s उपकोष के लिए निकालेंगे, s उपकोष के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान क्या होगा। तो s उपकोष के लिए क्या निकालेंगे, h/2π अंडर रूट एल का मान एस के लिए कितना होता है, 0। तो 0 × 0+1, तो ये करते हैं तो ये ओवरऑल 0 आ जाता है। तो एस उपकोष के लिए जो कक्षीय कोणीय संवेग का मान है वो 0 आता है। फिर हम बात करते हैं पी उपकोष के लिए, तो पी उपकोष के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान क्या होगा, h/2π अंडर रूट l × l+1। पी के लिए एल का मान होता है 1 × 1+1, तो ये हो गया 2 को 1 से किया तो ये 2, तो ये हो गया √2h/2π। जो h/2π होता है उसको हम सीधा सा h क्रॉस से भी दिखाते हैं, उसको h क्रॉस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो √2h/2π हो गया। यहाँ से सीधा सा सवाल आता है, आपको ध्यान रखना है सबका, एक एक का अपन निकालेंगे, इजी वे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो फिर इस 2 को अपने को पता है कि अंडर रूट को अंडर रूट से जब गुणा करते हैं तो समान संख्या आती है। कैसे, ये था √2 अपॉन इस